concept of पार्टनरशिप रेशियो। दोस्तों पूरे के पूरे पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट बेस है, यानी कि अगर आपको चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये मेन मेन चैप्टर्स अगर आपको अपने कमांड में रखने हैं तो पार्टनरशिप रेशियोज आपको अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए। दोस्तों ये कंसेप्ट समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हेल्पफुल होगा आपको कुछ मेन मेन वर्ड समझाने में। दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक मिस्टर ए हैं, यहाँ पर एक मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए के पास एक प्लेट है, मिस्टर बी के पास भी एक प्लेट, मिस्टर ए के पास एक दो तीन चार पाँच पाँच रोटी है और मिस्टर बी के पास तीन रोटी है। यानी कि दोस्तों एक बात को ध्यान से देखिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी ये पाँच और तीन यानी कि अभी एट प्रेजेंट 5:3 के पार्टनर है, यानी कि इनके पास हम कह सकते हैं कि आठ रोटी है, उस आठ रोटी को इन्होंने पाँच और तीन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब दोस्तों एक नई चीज़, अगर यहाँ पे इफ मिस्टर सी, अगर मिस्टर सी यहाँ पे एडमिट होते हैं तो दोस्तों एक बात को देखिएगा, मैं पूरा एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूँ। मिस्टर सी की प्लेट ये हो जाएगी। अब यहाँ से हुआ क्या, मिस्टर ए ने एक और दो, ये दो रोटी दे दी मिस्टर सी को और मिस्टर बी ने अपनी एक रोटी ये पास ऑन कर दी मिस्टर सी को। अब दोस्तों मिस्टर सी के पास तीन रोटी बन गई। जब देखिए मिस्टर ए के पास पहले पांच रोटी थी, पहले मिस्टर बी के पास तीन रोटी थी, तो ये दोनों पांच और तीन में पार्टनर थे या रोटी खा रहे थे। मिस्टर सी के आने के बाद मिस्टर सी को ए ने दो रोटी पास ऑन करी, मिस्टर बी ने एक रोटी पास ऑन करी, यानी कि इन टोटल मिस्टर सी के पास तीन रोटी हो गई। दोस्तों एक बात देखिए, अगर हम अब ए बी और सी इन तीनों के रेशो की बात करें, इन तीनों के पास अभी रोटी की बात करें, तो ए के पास एक दो तीन, ये तीन रोटी बची, बी के पास एक दो, ये दो रोटी बची, सी के पास एक दो तीन, ये तीन रोटी बची। और दोस्तों अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो तीन दो पाँच तीन आठ, अभी भी इनके पास टोटल आठ रोटी ही है। अब दोस्तों एग्जांपल में आपको क्या मेन वर्ड पे हाईलाइट करना है, मेन वर्ड पे फोकस करना है। जब दोस्तों ये अपने सी के आने से पहले जो रोटी शेयर कर रहे थे, इसको हम नाम देते हैं ओल्ड रेशियो का। सी के आने के बाद जो इनके पास कॉम्बिनेशन बना रोटी का, दोस्तों हम इसे नाम देंगे न्यू रेशियो का। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एग्जांपल बहुत ही सफिशिएंट है आपको सिर्फ ये दो वर्ड सिखाने में कि ओल्ड रेशियो क्या होता है और न्यू रेशियो क्या होता है। दोस्तों इसी एग्जांपल में हमने एक वर्ड, एक कंसेप्ट छोटा सा और सीखना है, और दोस्तों मुझे बताना कि क्या यहाँ पे इसका सोल्यूशन आएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मिस्टर ए की बात करें, फिर यहाँ पे हम मिस्टर बी की बात करेंगे और दोस्तों फिर हम यहाँ पे मिस्टर सी की बात करेंगे। इन तीनों के लिए दोस्तों मैं एक कॉमन चीज़ लेना चाहता हूँ, इनका ओल्ड पोजीशन और इनका न्यू पोजीशन। देखिए दोस्तों, मिस्टर ए का
ओल्ड पोजीशन 5 है, मिस्टर बी का ओल्ड पोजीशन 3 है, मिस्टर सी का दोस्तों इसमें कोई भी ओल्ड पोजीशन नहीं है, हम यहाँ पे इसको 0 मानते हैं। अब दोस्तों मिस्टर ए का न्यू पोजीशन 3 है, मिस्टर बी का न्यू पोजीशन 2 है, मिस्टर सी का न्यू पोजीशन दोस्तों 3 है। अब दोस्तों ये टेबल आपको क्या सिखाएगा कि मिस्टर ए के पास पहले 5 रोटी थी, अब 3 रोटी है। तो दोस्तों मुझे बात बताइए कि मिस्टर ए ने इस पूरे एग्जाम्पल में कुछ गेन किया है या कुछ सेक्रीफाइस किया है। सेम दोस्तों मिस्टर बी के लिए बताइए कि मिस्टर बी ने कुछ गेन किया है या मिस्टर बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है। और सेम दोस्तों आप मुझे मिस्टर सी के लिए बताइए कि इन्होंने कुछ गेन किया है या इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो दोस्तों एग्जाम्पल को बहुत ही डिटेल में देखने के बाद आप आराम से इस बात का जवाब दे सकते हैं कि ए ने पहले इनटेक करना था, पहले खाना था 5 रोटी, अब वो खा रहे हैं सिर्फ 3 रोटी। तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टर ए ने सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस किया है। मिस्टर बी की बात करें दोस्तों, ये पहले इनटेक करते थे, पहले खाते थे 3 रोटी, अब दोस्तों ये खाएंगे सिर्फ 2 रोटी। तो यहाँ भी दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने भी सिर्फ सेक्रीफाइस किया है। यहाँ देखिए दोस्तों मिस्टर सी पहले 0 रोटी खाते थे, अब वो 3 रोटी खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गेन किया है। तो कितना दोस्तों ये आसान सा एग्जाम्पल था, लेकिन इस आसान से एग्जाम्पल ने आपको एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट सिखा दिया सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग का। दोस्तों इसी को हम लोग एक फॉर्मूले के रूप में देखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इसका कि सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग कैसे आपने निकाल लिया। एग्जाम्पल में इसको करना बहुत ईजी था, बट जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने बन के आएगा तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो आप लोगों को। देखिए दोस्तों जब हम बात करते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो की, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि आपका ओल्ड पोजीशन यानी कि ओल्ड रेशियो क्या है माइनस में न्यू पोजीशन यानी कि न्यू रेशियो क्या है। और दोस्तों जब हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो की, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है आपका न्यू पोजीशन यानी कि न्यू रेशियो क्या है माइनस में ओल्ड पोजीशन यानी कि आपका ओल्ड रेशियो क्या है। अब दोस्तों हम इस फॉर्मूले पे जरा इस एग्जांपल को फ्रेम करते हैं और देखते हैं कि हमने जो ए को सेक्रीफाइजिंग बोला है, बी को सेक्रीफाइजिंग बोला है, वो यहाँ पे कैसे इक्वल आ रहा है। पहले हम मिस्टर ए की बात कर लेते हैं दोस्तों। मिस्टर ए का दोस्तों अगर हम ओल्ड रेशियो निकालें तो ओल्ड रेशियो मिस्टर ए के लिए ध्यान से देखना दोस्तों, ये 5/8 है। 5/8 क्यों दोस्तों? बिकॉज मिस्टर ए 5 रोटी खाते थे आउट ऑफ टोटल 8, इसीलिए दोस्तों 5/8। और सेम मिस्टर इनका न्यू रेशियो 3/8, ठीक है दोस्तों। मिस्टर बी की बात कर लेते हैं यहीं पे। मिस्टर बी का ओल्ड रेशियो 3/8 और दोस्तों न्यू रेशियो 2/8। अब दोस्तों पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 8, 5 माइनस में 3, 2/8। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे एलसीएम 8, 3 माइनस 2, 1/8। यानी कि दोस्तों पहले मिस्टर ए 5 रोटी खाते थे, अब वो 3 रोटी खाते हैं। यानी कि दोस्तों मिस्टर ए ने सेक्रीफाइस किया 2 रोटी का। यहाँ देखिए दोस्तों मिस्टर बी के लिए, मिस्टर बी पहले 3 रोटी खाते थे, अब वो 2 रोटी खाते हैं। यानी कि दोस्तों मिस्टर बी ने सेक्रीफाइस किया
एक रोटी का। अगर दोस्तों इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो का मैं समरी कर दूं तो दोस्तों सेक्रीफाइजिंग रेशियो ए और बी की है 2:1 में। अगेन दोस्तों अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें मिस्टर सी के लिए, तो गेनिंग रेशियो सी का न्यू रेशियो इनका 3/8 माइनस में इनका ओल्ड रेशियो 0 था। तो दोस्तों जब इसका हम एलसीएम लेंगे या बिना एलसीएम के ही दोस्तों ये ऑलरेडी 3/8 आ रहा है, यानी कि इस पूरे एग्जांपल के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सी ही हैं जिन्होंने ओनली सी हैज गेंड, सिर्फ सी ने गेन किया है दोस्तों, वो भी 3 रोटियों का एग्जाम्पल ये बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। दोस्तों सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, और दोस्तों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना, अगर इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके इफ आंसर कम्स इन नेगेटिव, अगर सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ध्यान रखना देन डैट पार्टनर हैज गेंड, यानी कि दोस्तों सेक्रीफाइजिंग रेशियो का किसी भी प्रकार से अगर सॉल्यूशन में आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि उस पार्टनर ने यहाँ पे सेक्रीफाइज नहीं किया बल्कि गेन किया है। दोस्तों अगर इस एग्जांपल की बात करें, अगर इस एग्जांपल में यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में +2 ना आके नेगेटिव में +2 आया होता तो दोस्तों हम कहते कि मिस्टर ए जो हैं इन्होंने सेक्रीफाइज नहीं किया बल्कि गेन किया है। अगेन दोस्तों यहाँ पे भी सेम बात, गेनिंग रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला ये है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, और अगेन दोस्तों कंसेप्ट बिल्कुल यही कि इफ आंसर कम्स इन नेगेटिव, यानी कि गेनिंग रेशियो का आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले को यूज करके अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो अगेन दोस्तों आपको ये मानना चाहिए देन डेट पार्टनर हैज सेक्रीफाइज्ड, यानी कि दोस्तों उस पार्टनर ने गेन नहीं किया बल्कि सेक्रीफाइस किया। तो दोस्तों इस पे बहुत ही अच्छा खासा पोर्शन एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं जो कि रेशियोज़ के ऊपर आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए दोस्तों हम कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप रेशियोज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, दोस्तों हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस के अंदर कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप रेशियोज की बात कर रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या बात लिख रहा हूँ। दोस्तों जब भी एडमिशन ऑफ
पार्टनर के केस में हमको रेशियोज़ के बारे में बताया जाएगा, तो हमेशा ही यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, और इन दोनों को जब आप ध्यान से देखिए, केस वन इसको जो हम लोग यहाँ पे टाइप एक ए कहते हैं, और इनको दोस्तों हम लोग टाइप बी कहते हैं। देख रहे दोस्तों टाइप ए टाइप बी में क्या फ़र्क है। टाइप ए कहता है दोस्तों ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन इन क्वेश्चन, और यहां पे नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन इन क्वेश्चन। तो दोस्तों एडमिशन ऑफ पार्टनर केस के अंदर हमेशा आपको रेशियो निकालने के लिए, हमेशा आपको पार्टनरशिप रेशियोज निकालने के लिए एडमिशन चैप्टर में आपके सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके सामने आप कहीं से क्वेश्चन कर रहे हो, ये ही दो टाइप बन सकते हैं। पहला टाइप जब हमको न्यू पार्टनर के बारे में, उसके अपने शेयर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन इन डिटेल गिवन है, ये टाइप ए बनता है दोस्तों। और यहाँ पे कहेगा कि आपका जो भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके शेयर के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे समझनी है कि टाइप ए क्वेश्चन ऑलवेज बी सॉल्व्ड विद टेबल अप्रोच, और दोस्तों टाइप बी क्वेश्चन ऑलवेज बी सॉल्व्ड विद वेरिएबल अप्रोच। तो दोस्तों एक टाइप ए, टाइप ए आपका हमेशा ही टेबल के अप्रोच से सॉल्व होगा, और दोस्तों टाइप बी हमेशा ही आपका वेरिएबल अप्रोच से सॉल्व होगा। अब दोस्तों ये क्या है टाइप ए टाइप बी का टेबल अप्रोच वेरिएबल अप्रोच, वो देखते हैं। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप रेशियोज में एडमिशन ऑफ पार्टनर केस के अंदर आपके जितने भी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन होंगे, वो सभी क्वेश्चंस आप इन दो बेस पे बाइफर्केट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। पहला जब आपके पास न्यू पार्टनर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो हम उसको दोस्तों टेबल के मेथड सॉल्व करेंगे, और जब आपके पास न्यू पार्टनर को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है दोस्तों तो हम उसको वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे एग्जांपल लेने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको कि टेबल अप्रोच क्या है और वेरिएबल अप्रोच क्या है। दोस्तों एग्जांपल को देखना ध्यान से, एग्जांपल दोस्तों मैं ले रहा हूँ ए और बी, ये दोस्तों मैं इसको ढंग से लिखता हूँ शॉर्टकट में नहीं, देखिए ए एंड बी आर पार्टनर इन 1:1, दे एडमिट सी 4⅓ शेयर सी acquired हाफ
ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड हाफ ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। और दोस्तों आपसे कहा गया है कैलकुलेट न्यू रेशियो। दोस्तों मैं सेम एग्जांपल इसी वर्डिंग में यहाँ भी लिखूँगा ताकि आपको ये पहले कंसेप्ट समझ में आए कि इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन ना देना ये क्या होता है। दोस्तों मैं एग्जैक्ट कॉपी कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन को, देखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन 1:1, दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, और बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो दोस्तों सबसे पहले आप दोनों के वर्डिंग में फ़र्क देखिए। पार्ट ए टाइप ए की बात करें दोस्तों, तो टाइप ए में हमको ये देखना है कि कैसे हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू पार्टनर शेयर गिवन होती है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि ए और बी पार्टनर है 1:1 में, सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, और अब दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि सी जो 1/3 के लिए आ रहा है वो अपना ये 1/3 पुराने पार्टनर से यानी कि फ्रॉम ए और फ्रॉम बी ये कैसे अक्वायर कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने अक्वायर किया हाफ अपना शेयर ए से और हाफ अपना शेयर बी से। तो दोस्तों हमको इस इन्फॉर्मेशन की बात करनी है जहाँ पे न्यू पार्टनर का अपना जो हिस्सा है, अपना जो शेयर है, वो पुराने पार्टनर से कैसे ले रहा है, ये हमने देखना है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिसिंग है, वहाँ कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है 1:1 में, सी आया 1/3 के लिए और निकाली न्यू रेशियो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये अपना 1/3 शेयर कैसे ले रहा है पुराने पार्टनर से, ये मिसिंग क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों जहाँ भी एडमिशन ऑफ पार्टनर केस के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमेशा आपको वेरिएबल अप्रोच फॉलो करना है, और जहाँ पे दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी वहाँ पे आपको दोस्तों टेबल अप्रोच फॉलो करना है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं अपने टेबल अप्रोच से और उसको वेरिएबल अप्रोच से। आइए देखिए दोस्तों, टेबल अप्रोच आपको जो टेबल है वो हमेशा ही इसी फॉर्म में क्रिएट करना है, इसी फॉर्म में बनाना है। तो फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा आप लोग प्लीज। दोस्तों प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, तो प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल साफ राइटिंग, नो कटिंग। बोर्ड में अकाउंट्स में सभी के सभी प्रैक्टिकल पेपर के अंदर, इवन थ्योरेटिकल पेपर सब में दोस्तों बहुत ज़्यादा ही आपको बेनिफिट देगा। टेबल का दोस्तों नाम है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। दोस्तों देखिए हम पे ये क्वेश्चन है, अब हमको दोस्तों पार्टनर की कॉलम के अंदर इन टोटल इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर की बात हो रही है उन सबको हमने फिट करना है। यहाँ पे मिस्टर ए हैं क्वेश्चन के अंदर, मिस्टर बी हैं, मिस्टर सी हैं। दोस्तों ओल्ड रेशियो तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ ए और बी का होगा, डैट मीन्स दोस्तों 1/2 ए है, 1/2 बी है, सी न्यू पार्टनर का ओल्ड रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप डैश डाल दीजिए। अब दोस्तों आपको इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बना के रखना है बिकॉज सारा प्लस माइनस सब कुछ इसी कॉलम में होने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए और उस 1/3 शेयर का हाफ, यानी कि दोस्तों अगर मैं 1/3 को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 1/3 डिवाइडेड बाय 2,
तो दोस्तों 1/3 into में, अब दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियसली बात है अपॉन वन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2, डैट मीन्स 1/6 ये मिस्टर ए से लेंगे। और अगेन दोस्तों यही पार्ट, यही वाला हिस्सा वो मिस्टर बी से भी कंट्रीब्यूट करवा रहा है अपना। तो 1/3, 1/3 को जब हम दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दोस्तों ये 1/6 बन के आता है। इस पर दोस्तों हम एक अलग क्लास रखेंगे आप लोगों की, इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मिस्टर ए पहले 1/2 के पार्टनर थे, लेकिन 1/2 में से इन्होंने 1/3 का हाफ, 1/3 का हाफ ये इन्होंने दोस्तों दे दिया मिस्टर सी को। अब दोस्तों मिस्टर ए के द्वारा किया हुआ कोई भी सेक्रीफाइस मिस्टर सी के लिए गेनिंग बन जाता है, यानी कि ये यहाँ पे जाके दोस्तों ऐड हो जाएगा। अगेन दोस्तों अगर हम बात करें मिस्टर बी की, तो मिस्टर बी पहले पार्टनर थे 1/2 के अंदर, और अब दोस्तों ये कुछ पोर्शन अपना दे रहे हैं मिस्टर सी को, और वो हाफ पोर्शन ही है, तो 1/3 का हाफ 1/2। तो उनके द्वारा किया गया कोई भी सेक्रीफाइस मिस्टर सी के लिए गेनिंग बन जाता है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे एलसीएम लेना है, 6 2 3 -1, तो दोस्तों ये आपका बाहर आ जाएगा 2/6। अगेन दोस्तों यहाँ पे आपको एलसीएम लेना चाहिए, 6 2 3 -1, यहाँ पे आ गया दोस्तों आपका 6। यहाँ पे दोस्तों एलसीएम 6 1 + 1 2/6, तो दोस्तों ये हमारे पास इनका न्यू रेशियो कॉलम में आ गया। अब दोस्तों न्यू ध्यान रखिएगा, इस पूरे टेबल के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी आपको डिजिट क्रॉस नहीं करना, कोई भी डिजिट काटना नहीं है। जैसे ये यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/3 हमने अभी नहीं करना दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस पूरे टेबल को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपका सॉल्यूशन सही आने के चांसेस हैं इसमें। और सबसे बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, कुछ कटिंग मत कीजिए इसके अंदर, जैसा चल रहा है भले वो डिजिट काफ़ी लंबी है, काफ़ी छोटी है, छोड़ दीजिए उसको, बिल्कुल शॉर्ट में चलिए, सिंपल चलिए, कुछ कटिंग मत कीजिए, खासकर इस एडजस्टमेंट और न्यू रेशियो के कॉलम के अंदर। अब दोस्तों ये हमारे पास क्लियर है, अब इस टेबल को क्लोज करते हैं। टेबल के नीचे दोस्तों आप लोग इस बात को लिखना बिल्कुल ना भूलें, बोर्ड बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है आपसे कि आप ये नीचे यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो ए का, बी का और सी का। और दोस्तों आपको ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2/6, 2/6, 2/6, ध्यान से देखिए, 2/6, 2/6, 2/6। और दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक बात चेक करनी है कि क्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, व्हाट टू चेक नाउ, यानी कि दोस्तों ये लिखने के बाद हमने अब चेक क्या करना है। दोस्तों चेक हमको ये करना है सम ऑफ ऑल न्यूमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये दोस्तों आपको चेक करना है कि न्यू रेशियो लिखते वक्त आपका जो दोस्तों एन का जो सम है, डेट मीन्स 2 + 2 + 2 इट इज 6, और दोस्तों हमारा ये डी के इक्वल आ रहा है। तो ये आपको दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चेक करना चाहिए। और अब दोस्तों जब वो हमारा पोर्शन हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे था 2/6 = 2/6 = 2/6। अब दोस्तों आप इसे काट सकते हैं, इट इज़ लाइक 1/3, 1/3, 1/3, तो दोस्तों 1
1:1:1, यानी कि दोस्तों अब ये इस रेशियो में पार्टनर बन गए। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया न्यू रेशियो। तो दोस्तों ये था हमारा टेबल अप्रोच। टेबल अप्रोच में कॉलम नंबर 1 पार्टनर्स, कॉलम नंबर 2 ओल्ड रेशियो, कॉलम नंबर 3 जो बड़ा होना चाहिए एडजस्टमेंट का, और लास्ट कॉलम न्यू रेशियो का। आपको दोस्तों इसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या वर्डिंग गिवन है, क्या वर्डिंग नहीं गिवन, किससे प्लस करना है, किससे माइनस करना है। दोस्तों इसके ऊपर एक हम क्लास जरूर करेंगे जिसमें हम लोग करीब 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग वर्डिंग को लेके, जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। बट दोस्तों आज हमारा मेन फोकस कंसेप्ट के ऊपर है। तो कंसेप्ट में हमने ये सीखना है कि अगर क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालते वक्त कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन है दोस्तों, तो डैट विल बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू टेबल। आपको टेबल ही बनाना है, टेबल के ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है। अब दोस्तों में आप ये देखते हैं कि जिस क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो उस क्वेश्चन में वेरिएबल मेथड से हम कैसे सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, वेरिएबल मेथड दोस्तों स्टार्ट होता है इस लाइन से, लेट टोटल शेयर बी 1। दोस्तों आपको एज्यूम करना है कि हमारा टोटल शेयर क्वेश्चन में 1 है, और ऑब्वियसली बात दोस्तों टोटल शेयर 1 होता भी है। अब देखिए, अब आप यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, जो भी नया पार्टनर है उसके बाद, यानी कि जब नया पार्टनर आएगा और वो अपना हिस्सा ले लेगा, तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास कितना शेयर बच जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास टोटल शेयर 1 था, हम इसमें से इसका जो अपना शेयर है 1/3 वो हटा देंगे, तो दोस्तों हमारे पास 2/3 रिमेनिंग शेयर बन के आ जाएगा। अब दोस्तों इस रिमेनिंग शेयर के अंदर, इस रिमेनिंग शेयर के अंदर हम दोस्तों यहाँ पर लिखने वाले हैं शेयर ऑफ ए, कि इसका कितना अब उसमें पार्ट बचा हुआ है। फिर लिखेंगे दोस्तों शेयर ऑफ बी। तो देखिए 2/3 हमारे पास रिमेनिंग है ए के लिए भी, और वैसे बात है 2/3 हमारे पास रिमेनिंग है बी के लिए भी। अब दोस्तों हम इनको उनके अपने रेशियोज में, उनके ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पे उसको दे देंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे मन कर रहे हैं ये 2 से 2 काट दिया जाए, तो ऐसा ना करें। बिल्कुल क्वेश्चन को मैं पहले कह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ कहा था, क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल लेके चलें, क्रॉस कटिंग बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत दिक्कत आपको बाद में आ सकती है। आप यहाँ पे सिंपल लिखिए इट इज़ 2/6, इट इज़ 2/6, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शेयर ऑफ सी, दोस्तों सी का तो अपना हिस्सा है 1/3, तो दोस्तों हम 1/3 को 6 और 6, क्योंकि दोस्तों ए और बी का डिनोमिनेटर 6 है, तो हमको इसका भी डिनोमिनेटर उन्हीं के इक्वल करना पड़ेगा। और दोस्तों वो इक्वल करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 से, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली कम 2/6। अब दोस्तों अगेन ये पूरा क्वेश्चन अपने बिल्कुल लास्ट फेज में पहुंच चुका है। अब दोस्तों हम यहां लिखेंगे न्यू रेशियो, और दोस्तों न्यू रेशियो किन किन का, ए बी और सी का। ये दोस्तों आ गया 2/6 2/6 2/6। दोस्तों यहाँ भी हमको सेम बात चेक करनी है कि क्या सम ऑफ ऑल न्यूमिनेटर क्या डी के बराबर है कि नहीं। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि 2+2+2 6, और नीचे सबके 6 ही है दोस्तों, दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इसको सिंपल 2 2 2 कर लीजिए, ये कटेगा दोस्तों 1:1, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा एक टेबल अप्रोच क्या होता है, और एक दोस्तों वेरिएबल अप्रोच क्या होता है, ये हम दोनों देख लिया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप रेशियोज का एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर न्यू रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये सब हमने कंसेप्ट देख लिए हैं।
अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन ना हो के हमारे पास रिटायरमेंट का या डेथ का क्वेश्चन होता, तो उस पार्ट में हम लोग फिर कैसे करते अपने कैलकुलेशन को, उस पार्ट में हम कैसे कैलकुलेट करते न्यू रेशियो और सेक्रीफाइजिंग गेनिंग रेशियोज को। आइए दोस्तों, दोस्तों देखिए, यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है। दोस्तों ए के पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इतनी इतनी रोटियां हैं दोस्तों। कितनी कितनी? इनके पास 5 रोटी है, इनके पास 4 रोटी है, इनके पास 3 रोटी है। यानी कि दोस्तों अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी ए बी और सी 5, 4 और 3 के पार्टनर हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। जो पार्टनर अपना अभी पुराना हिस्सा एंजॉय कर रहा है उसको हम ओल्ड रेशियो कहते हैं। इस केस के अंदर दोस्तों हमारा ओल्ड रेशियो 5, 4 और 3 है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बोले, अगर मान लो क्वेश्चन बोले सी रिटायर्ड, या क्वेश्चन बोले सी डाइड, और साफ साफ कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो दोस्तों यहां पे भी आप देखिए, अगेन वही तो बात दोस्तों, हम रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन को सेम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें गिवन है जहाँ पे हमको पुराने पार्टनर्स ए बी सी का ओल्ड रेशियो गिवन है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर की डेथ हो रही है, और हमसे सिर्फ ये बोला गया कि आपकी न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन इस बात को लेके नहीं है कि ये जो पार्टनर रिटायरमेंट को जा रहा है, ये जो पार्टनर की डेथ हो रही है, ये अपना हिस्सा, अब अगर ये पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी या उसकी डेथ हो रही है, तो दोस्तों इसके पास 3 रोटियाँ हैं। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अपनी 3 रोटी इन दोनों को कैसे देके जा रहा है, किस रेशियो में देके जा रहा है, कितना कितना देके जा रहा है। तो दोस्तों अगेन हमने जैसे भी सीखा था कि एडमिशन के चैप्टर के अंदर जब नया पार्टनर आता है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, अगर गिवन है तो हम टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, गिवन नहीं होती है तो हम उसको वेरिएबल के मेथड सॉल्व करते हैं। अगेन दोस्तों यहाँ पे भी रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में, डेथ के क्वेश्चंस में सेम बात आपको देखनी है कि क्या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या जो पार्टनर डेथ जिसका डेथ हो रहा है, क्या वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स को देख के जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है कि नहीं। जैसे दोस्तों अगर इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर डेथ हो रहा है, जिसका डेथ हो रहा है, वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स को कैसे देख के जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाते हैं। उसमें आपको करना क्या है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर डेथ हो रहा है, उसको दोस्तों आपने अब देखना ही नहीं है, उसको आपने छोड़ देना है। डेट मीन्स दोस्तों सी रिटायर के केस में अब जो दो पार्टनर बच गए 5:4, अब दोस्तों यही इनका न्यू रेशियो है। यहाँ भी सेम दोस्तों, सी डाइड हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन दोस्तों, फिर जो बच गया रिमेनिंग रेशियो के अंदर वही उसका दोस्तों न्यू रेशियो है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं उस केस में, रिटायरमेंट के और डेथ के, उस उन क्वेश्चंस के अंदर जहां पे हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है, वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स कैसे देखे जा रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन गिवन नहीं है तो आपने सिंपल करना क्या है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जो रिटायरमेंट को जा रहा है, उसको जस्ट इग्नोर करना है आपने, और जो रिमेनिंग आपका पोर्शन बच गया वही आपका उस केस में न्यू रेशियो है, और उस केस में
न्यू रशिया, सॉरी। अब दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स को दे के जा रहा है। अब वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 1:1:1। मिस्टर सी, अब दोस्तों मैं रिटायरमेंट और डेथ को एक कॉमन क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। मिस्टर सी रिटायर्ड, या दोस्तों डाइड। शेयर ऑफ मिस्टर सी हैज बीन अक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन 1:2। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी तीन पार्टनर थे 1:1:1 में। डैट मीन्स दोस्तों ये इनका ओल्ड रेशियो है। फिर कह रहा है मिस्टर सी एक केस में हम इनको रिटायर करेंगे, सेकेंड में हम इनकी डेथ करवाएंगे, और उनका जो रेशियो है दोस्तों डेट इज़ 1:3, वो 1:3 ए और बी अक्वायर कर रहे हैं रेशियो 1:2 में। हमको दोस्तों न्यू रेशियो निकालना है। अगेन दोस्तों अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में जिस पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो रही है उसका शेयर पुराने पार्टनर्स कैसे अक्वायर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दोस्तों साफ साफ गिवन है। और जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो दोस्तों हम उस क्वेश्चन को टेबल के मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हमने अभी सीखा अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में अगेन टेबल का फॉर्मेट वही है, टेबल का नाम कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एडजस्टमेंट और दोस्तों न्यू रेशियो। ध्यान रहे दोस्तों एडजस्टमेंट का टेबल हमेशा आपने बड़ा बनाना है, बिकॉज सारी कैलकुलेशन आपको इसी टेबल में करनी होती हैं। आइए दोस्तों बात करें, हमारे पास पार्टनर में क्वेश्चन में ए हैं, बी हैं और सी हैं। ओल्ड रेशियो दोस्तों 1:3, 1:3 एंड दोस्तों 1:3। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, मिस्टर सी की रिटायरमेंट है और डेथ है, दोनों केस के अंदर दोस्तों इनका न्यू रेशियो आना संभव नहीं है, बिकॉज नए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन के नहीं रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मिस्टर ए 1:3 में पहले पार्टनर थे, मिस्टर बी पहले 1:3 में पार्टनर थे और मिस्टर सी भी 1:3 में पार्टनर थे, लेकिन सी के रिटायरमेंट या डेथ हो रही है। तो अब सी का जो दोस्तों अपना हिस्सा है, सी का दोस्तों जो अपना हिस्सा है वो 1:3 है, लेकिन 1:3 को दोस्तों ए और बी अपने पास रिटेन कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं दोस्तों। और कैसे रख रहे हैं, ये दोस्तों इसका एक हिस्सा रख रहा है, एक हिस्सा कितने में से दोस्तों लिखा हुआ है 1:1:2, यानी कि दोस्तों ये 1:3 में रख रहा है और दोस्तों ये रख रहा है 2:3 के अंदर। मतलब दोस्तों क्या,
मतलब ये कि सी का जो हिस्सा था 1/3, उसका 1/3, ये जो दोस्तों पार्ट है 1/3, ये मैंने उससे मल्टीप्लाई किया है। दोस्तों मिस्टर ए 1/9 रिटेन कर रहे हैं, और दोस्तों मिस्टर बी जो मिस्टर सी का हिस्सा था 1/3, उसका 2/3, यानी कि दोस्तों 2/9 इतना पोर्शन रिटेन कर रहे हैं। डैट मीन्स दोस्तों मिस्टर ए के पास 1/3 उनका अपना रेशियो था, प्लस में जिन्होंने अभी अभी रिटेन किया मिस्टर सी का रेशियो, वो 1/9 इनके पास एडिशन के फॉर्म में आ जाएगा, उनको उनका शेयर एक्स्ट्रा मतलब और बढ़ जाएगा उनका। मिस्टर बी की बात करें दोस्तों, तो मिस्टर बी पहले 1/3 के पार्टनर थे, अब उनको मिस्टर सी का 2/9 का रेशो उन्हें और एडिशन में मिलने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका एलसीएम 9 3 3 3 + 1 4/9, यहाँ बात करें दोस्तों 9 3 3 + 2 5/9। और अब दोस्तों ध्यान से देखिए, 1/3 मिस्टर सी के पास था, 1/3 सी के पास था, इसमें से सबसे पहले दोस्तों माइनस हुआ 1/9, और यही माइनस 1/9 यहाँ जाके दोस्तों उनको ऐड हो गया, मतलब सी ने इतना पोर्शन अपने हिस्से का इतना पोर्शन मिस्टर ए को दे दिया, और दोस्तों जो बचा हुआ था 2/9 वो दोस्तों उन्होंने जाके मिस्टर बी को दे दिया। अब दोस्तों अगर हम कैल्शियम निकालें तो 9 3 3 - 1 - 2, दोस्तों इसका 0 ही आना पॉसिबल था, 0/9 यानी कि दोस्तों 0 यानी कि कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये है आपका एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे हम रिटायरमेंट और डेथ के पोर्शन की बात कर रहे थे, और जहाँ पे जिस क्वेश्चन के अंदर बात साफ साफ गिवन था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर की डेथ हो रही है, वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स को कैसे देके जा रहा है। तो दोस्तों टेबल मेथड है, टेबल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप रेशियोज। हमने इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सबके क्वेश्चन देख लिए। दोस्तों ये हमारा सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट वीडियो था, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस की वीडियो भी लेके आएंगे। और ये पूरा क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।